हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी के रिजल्ट डेट के बारे में और आपका जो फिजिकल है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड का वो कब स्टार्ट होगा और आपका मतलब है आपने यदि कितने नंबर किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं। तो ये भी बात करेंगे कि आप का जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाले हैं। तो इन सभी बातों का डिस्कशन है इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि आपको आर्मी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट है वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम बात करें अगर आपका जो रिजल्ट है यानी आपका जो जो अग्निवीर का जो रिजल्ट है ना वो किस डेट को आने वाला है। तो अग्निवीर का जो रिजल्ट है अग्निवीर आर्मी का जीडी का टेक्निकल ट्रेडमैन और कलरक और आपका नर्सिंग असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वह यानी आपका 31 मई से पहले आ जाएगा। ठीक है, 31 मई से पहले है वो आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। 31 मई से पहले आपको सभी ट्रेड का जो वो कलरक हो टेक्निकल हो नर्सिंग असिस्टेंट हो ट्रेडमैन हो कलरक हो तो इन सभी का जो रिजल्ट है वो आपको 31 मई से पहले है वो देखने को मिल जाएगा। और आपका जो फिजिकल है वो फर्स्ट जो स्टेज है स्टेज फर्स्ट उसका जो जो फिजिकल है वो 1 महीने के बाद कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी यदि 31 मई से पहले रिजल्ट आता है तो आपका यानी आपका जो यानी जो फॉर्म फिलअप किया गया था तो उसमें आपका लिख रखा था तो यानी आपका जो फिजिकल है यानी उसमें लिख रखा था कि आपका जो फिजिकल है वो जुलाई के अंदर कंडक्ट है वो कराया जाएगा। ठीक है, जुलाई से लेकर सितंबर तक है वो आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका जो मई जून से मतलब 1 मंथ आपको प्रिपरेशन करने को मिलेगा। ठीक है, यानी आपकी यदि अच्छे नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि स्टेज फर्स्ट के जितने भी बच्चे होंगे ना उनको मतलब फिजिकल के लिए बहुत कम समय मिलेगा। ठीक है, तो यानी 1 मंथ का समय वो जो स्टेज फर्स्ट है उसके उनके फिजिकल वालों को मिलेगा। तो जिन बच्चों का जो यानी जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ तो वो अभी से अभी फिजिकल की जो रनिंग वगैरह है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 1 मंथ के बाद ही आपका जो फिजिकल है स्टेज फर्स्ट का यानी कुछ एआरओ का फिजिकल अब होगा और कुछ एआरओ का जो फिजिकल है वो आपका नवंबर से लेकर आपका फरवरी तक वो कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। ठीक है, यानी नवंबर से लेकर फरवरी तक आपका जो स्टेज सेकंड का फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी स्टेज फर्स्ट के अंदर तो कुछ एआरओ का होगा फिजिकल और स्टेज सेकंड के अंदर कुछ एआरओ का फिजिकल वो कंडक्ट हो करवाया जाएगा। तो जो स्टेज सेकंड है उसका फिजिकल वो नवंबर से फरवरी तक आपका रहने वाला है। ठीक है, लेकिन जो स्टेज फर्स्ट हैं उनको बच्चों के लिए मतलब समय बहुत कम मिलेगा फिजिकल के लिए और जो स्टेज सेकंड है उनके लिए ऑलमोस्ट यानी 6 मंथ 6 महीने का जो समय है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उनकी जो फिजिकल की तैयारी वो अच्छी हो जाएगी स्टेज सेकंड वाले बच्चों के लिए, लेकिन स्टेज वाले फर्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे हो फिजिकल के अंदर है वो बाहर होने वाले हैं। तो जिसके कारण आपकी जो यानी जो कट ऑफ रहती है ना आर्मी की वो बहुत कम रहती है और बहुत ज़्यादा जो कम नंबर वाले बच्चे भी हैं ना वो भी आसानी से सेलेक्ट है इसमें हो जाते हैं। तो इसलिए यानी जिन बच्चों के यदि यानी मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि मतलब जिनके 20 क्वेश्चन से ही हुए हैं। ठीक है, और वो इसी समस्या में है कि उनका फिजिकल के लिए नंबर आएगा या नहीं आएगा, उनका नंबर है वो कन्फर्म आएगा क्योंकि जो मतलब आर्मी है ना वो फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे को बुलाती है क्योंकि जो फिजिकल है वो अभी भी हार्ड ही है ना, लेकिन जो पेपर होता है वो इजी लेवल लगाता है और जो फिजिकल है वो आपका आर्मी का हार्ड है। तो जिसके कारण जो आपका जो आर्मी है जो अपने फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे को है वो बुलाती है और जिसके कारण जो स्टेज फर्स्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकल के अंदर बाहर होते हैं क्योंकि इतना समय उनको मिल नहीं पाता, तो जिसके कारण फिजिकल वो मतलब आपका बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर होने के कारण ज़्यादा बच्चे उसको आर्मी को बुलाने पड़ते हैं। तो जिसके कारण यदि किसी के भी 20+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उसका फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड कन्फर्म है वो आ जाएगा। और बात करें अगर फाइनल मेरिट की तो फाइनल मेरिट में भी उसका कन्फर्म नंबर आएगा यदि उसने फिजिकल है वो 100 नंबर का कर दिया, यानी फिजिकल है वो पूरे में से पूरा कर दिया ना, तो उसका यदि 20 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं
और उसने फिजिकल पूरा नंबर का कर दिया तो बिल्कुल उसका डेफिनेटली फाइनल मेरिट के अंदर भी उसका नाम कन्फर्म आएगा। ठीक है, तो यानी जिन बच्चों की ये कन्फ्यूजन है कि मेरे बहुत कम क्वेश्चन हैं और वो तैयारी करें या नहीं करें, इसमें आपको यदि बहुत कम क्वेश्चन है 20 के समथिंग भी यदि बन रहे हैं तो आपका कन्फर्म फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा और आपको बुलाया जरूर जाएगा फिजिकल के लिए। और यदि आपने फिजिकल पूरा नंबर का कर दिया तो आपका डेफिनेटली है वो फाइनल मेरिट में भी आपका नंबर है वो आ जाएगा। तो इसलिए फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आपका जो 31 मई से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होते ही यानी उसके 1 मंथ के बाद ही आप आर्मी है वो रिजल्ट हो डिक्लेयर है वो कर देती है। ठीक है, और जो स्टेज फर्स्ट का भी जो फिजिकल है वो जल्द कंडक्ट है वो आर्मी करवा देती, तो इसलिए फिजिकल का भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि किसी के 20 के समथिंग नंबर है वो बंद रहे हैं, 20 से ज़्यादा बंद रहे हैं, चाहे कोई भी ट्रेड हो, क्लर्क टेक्निकल हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो या आपका ट्रेडमैन हो, कोई भी हो, तो उसमें यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं और आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें पेपर से ज़्यादा जो आपका मेन है वो आपका फिजिकल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें पेपर में तो बच्चे बाहर नहीं होते हैं, लेकिन फिजिकल में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं, तो इसलिए मतलब बहुत कम नंबर वालों को भी आर्मी वो फिजिकल के लिए बुलाती है। ठीक है, और यदि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर वो पूछ सकते हैं, नीचे प्रत्येक कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप हमारे ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट जो है वो आर्मी से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।